कामयाब होता है। अभी तक किल कंफर्म हुआ नहीं है। मुइज अपना किल इस बार कंफर्म कर सकते हैं, नॉक किया गया था। ट्रायड को कंफर्म करने की कोशिश की जा रही है और एक और प्लेयर जो कि अभी तक अपने आप शॉट लगाया जा रहा है, इसलिए इसकी भी फाइट करीब आ चुकी है। लेकिन यहां से अगर हम लेगेसी की बात करें, लास्ट प्लेयर मौजूद थे, शटडाउन हुआ, ये नॉक मिल सकता है क्या ग्रेनेड का? नहीं, अभी भी नहीं, जोन से बाहर है, डिस्टर्ब होंगे अपने लिए। फिलहाल के लिए M79 का यूज किया जा रहा है और साथ में नॉक क्या मिला, ऐसे नो चांस में। लेकिन पहला ही नॉक मिला, एम्पायर भी होती है यहां पे शटडाउन, 5 म्यूटेंट्स भी दूसरी तरफ, लेकिन 5 म्यूटेंट्स भी शटडाउन होती है अंदर की तरफ। 1 डाउन, सेकंड डाउन, थर्ड डाउन, लास्ट प्लेयर मरनी रिमेनिंग, लेकिन अपने प्लेयर को रिवाइव किया जाएगा। उसका दिया गया इनफेमस मुइज नॉक है, रिवाइव किया जाएगा हाथ के साथ ही। आप ग्लो मेल्टर के साथ साथ वॉल को भी डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, कॉपी रिमेनिंग और शटडाउन टीम इनफेमस। बहुत ही मुश्किल लमा शॉट सामने की तरफ, नो चार्ज को किया जाएगा। असल में सैटे मॉट शॉट एज कल के साथ हसु नॉक थे, एक बार प्रतवा फिर नॉक हुए। एक्सपीरियंस वर्सेस एक्सपीरियंस, क्लोमेटर का भी यूज किया गया। अनस के पास स्नैपर मौजूद है, AWM मौजूद है, एक किल के साथ हैं। लेकिन क्या ये फाइट जो कि अभी तक के लिए अनस स्टिल अलाइव है, क्या यहां पे एक नॉक मिलेगा? क्या गॉन्टी मत पर बिल्कुल मिलेगा, एक और नॉक मिल चुका है, लेकिन अनस नॉक हो चुके हैं। कवर देना बहुत ज्यादा जरूरी है, कवर देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन यहां से अगर हम बात करें गॉन्टी स्प्राइट को नॉक करना, कंफर्म करना बहुत ज्यादा मुश्किल है और वही चीज। और साथ में अगर हम बात करें बॉनफायर, बॉनफायर, बॉनफायर ही यूज किया जा रहा है। गॉडज़िला थोड़ा सा बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मजे की बात कह सकते हैं गॉन्डी बस स्प्राइट के। पावर डाउन, सेकंड डाउन, थर्ड डाउन, ओह माय गॉड, टीम हॉटशॉट अपने रे फाइटिंग। लेकिन हमजा का पहला नॉक मिल चुका है और टीम अटैक करेगी। क्रोन का यूज किया गया, वॉटेड को भी नॉक कर दिया गया है। हसन रह चुके हैं, लेकिन एक प्लेयर रहा भी, टीम रोक लेते हैं यहीं पे क्योंकि नॉक हो सकते हैं। कहीं ना कहीं मूवमेंट स्पीड का यूज किया जा रहा था, लेकिन शॉट लगाया, साजिद को रिवाइव कर दिया गया। साजिद को अनस की जानिब से रिवाइव, लॉन्चर नॉक मिलेगा, बिल्कुल हसन की हेल्थ बहुत कम थी और इसी के साथ टीम एम्पायर को शटडाउन कर दिया गया। लेकिन यहां से मददी भी कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर आप बात करें ब्लू वॉल का यूज किया जाएगा। दो तीन प्लेयर्स नॉक कंफर्म, लास्ट प्लेयर रिमेनिंग स्टेपी का भी यूज किया जा रहा है, फायदेमंद कह सकते हैं टीम सिन्नॉन के लिए होती हुई नजर आई स्टेपी। और लास्ट प्लेयर शॉट लगेगा, बिल्कुल लगा शॉट, चार आसानी से हार मान नहीं रहे दोनों ही टीम्स के, एक एक प्लेयर अंदर की तरफ रुके हुए हैं। रैप्टर वन मोर नॉक, लेकिन एलिमिनेट होगी, एलिमिनेशन फेस करनी पड़ेगी। इन फेमस 9 kills 10 kills बुया करेंगे अपने नाम, बिल्कुल बुया विद 9 kills। एक्स पार्क का जिस जगह पे लोकेशन मौजूद रही थी, अब एगॉन डीमन स्प्राइट को रोकना पड़ेगा। 5 म्यूटेंट्स के प्लेयर्स जोन से एलिमिनेट हो रहे हैं, शॉट लगा, 5 म्यूटेंट्स होती है शटडाउन। सेमी के एलबी पार्क काफी ज्यादा लो, 1 डाउन, सेकंड डाउन, थर्ड डाउन, शार्क की लास्ट प्लेयर लगाएगा, ओह माय गॉड, एगॉन डीमन स्प्राइट को शटडाउन कर दिया गया है। लास्ट प्लेयर हुकॉक का यूज, एलिमिनेट, एलिमिनेट, यस प्लीज, 10 किल्स टीम एक्स पार्क, बूया। एक दूसरे को बैकअप देते हुए नजर आएंगे, A12 को थ्रू किया गया था, स्किल ब्लॉक है, दो प्लेयर्स को नॉक कर दिया गया है। दो प्लेयर्स के साथ साथ साजिद की अगर हम बात करें जो कि मौजूद है, दिया गया है सिक्का, डबल फाइव को, एक और प्लेयर को भी यहाँ पे नॉक किया जाएगा। अच्छा अटैक होते हुए, वन मोर नॉक, लास्ट प्लेयर रह चुके हैं, लास्ट प्लेयर रह चुके हैं, इन फेमस की स्टैंडिंग बहुत डिस्टर्ब होगी। टीम लेगेसी वर्सेस टीम एक्स स्पार्क, शॉर्ट रेंज में व्हीकल भी आ चुकी है। लेगेसी अपने प्लेयर्स को सेव करते हुए, सेव जो कि किया जा रहा है प्लेयर्स को, स्टेफी भी यूज की जा रही है। सैफ की हेल्थ काफी कम हो चुकी थी, नॉक हो चुके हैं, लेकिन यहां पे स्प्रे किया जाएगा MP5 का, OMG, एक्स स्पार्क को शटडाउन किया गया जी टीम से। लेगेसी भी 5 म्यूटेंट्स के साथ नॉक किया गया, सैप करेंगे ग्रेनेड, नॉक करके कंफर्म किया जाएगा, बिल्कुल किल मिल चुका है, अटैक हो चुका है, किल मिल चुका है, कवर तोड़ दी गई है, कॉपलेर को भी अभी नॉक किया गया, लास्ट प्लेयर रिमेनिंग शटडाउन, लेकिन नहीं, बिल्कुल, ओह माय गॉड, वो 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 वो, तीन प्लेयर्स नॉक थे, नो चांस लेगी यहां पे, 5 म्यूटेंट्स को भी शटडाउन, लेकिन बैक आ चुके हैं, वापस पीछे हटने का फैसला। साजिद की हेल्थ हुई कम और अनस को नॉक किया जा चुका है, साजिद की पहले ही हेल्थ बहुत कम है, एक शॉट के मेहमान है और इसी के साथ 9 kills, बुया टीम स्लेयर्स। मिल गए हैं और मिलने के साथ मिल ही रहे हैं, बिल्कुल मिल ही रहे हैं क्योंकि टीम हॉट शॉट में दो प्लेयर्स वांटेड यहां पर अपने टीममेट के लिए, कोशिश करते हुए अभी तक नॉक है, शायद का अगेन यूज किया जा रहा है, एक और प्लेयर नॉक,
कौन बाजी लेके जाएगा? रिवाइव पॉसिबल किया जाएगा। वन वर्सेस टू से टू वर्सेस टू की सिचुएशन आ चुकी है। एक और प्लेयर को कंफर्म कर दिया गया है, लेकिन नहीं, वलीद अकेले है, टीममेट को रिवाइव नहीं कर पाए। एक और शॉट लगा, कहीं ना कहीं आसू के पास ग्रेनेड मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। नॉक करने की क्या यहाँ पे कोशिश, बहुत ही ज्यादा जरूरत है नॉक करने की, और ग्रेनेड लॉक हुआ, लेकिन बहुत ही ज्यादा टाइमर यूज कर दिया गया है। और आसू का यहाँ पे नॉक होना, ऑल स्टार्स के पास चार किल होना, प्लेयर्स भी तीन ही मौजूद है, लेकिन नॉक मिल चुका है। टीम हॉट शॉट के लास्ट प्लेयर किल कंफर्म करने की कोशिश की जा रही है, टेन का यूज किया जा रहा है। वन वर्सेस वन की फिलहाल के लिए सिचुएशन कह सकते हैं, क्योंकि एजेंट बहुत ही ज्यादा हॉट शॉट। 16 किल्स, टीम ऑल स्टार बूया। फ्री फायर गो बैटल लीग, जिसे स्पॉन्सर किया गया है गेबट की जानिब से, चैंपियन पति है टीम हॉट शॉट। बिल्कुल, टीम हॉट शॉट 88 पॉइंट्स के साथ 52